चेयरमैन यंग फेलिक्स के कंधे पे पैट करते हैं और उसे लंच के लिए इनवाइट किया। फेलिक्स थोड़ा हेजिटेट करने लगा कि नहीं, आपको इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। चेयरमैन फेलिक्स के दोनों क्लासमेट की ओर देख के कहते हैं कि तुम अपने दोनों क्लासमेट को भी अपने साथ ला सकते हो, चलो अभी चलते हैं। दोनों क्लासमेट बहुत ही सरप्राइज थे और तुरंत ही जवाब दिया कि यस सर। और अब टोपी वाला थोड़ा नर्वस होने लगा था कि क्या मुझे मेरी हैट निकाल देनी चाहिए, मैंने आज अपने बाल नहीं धोए। फेलिक्स शायद चेयरमैन यांग को रोकने जाना चाहता था कि अभी वो उसके साथ लंच के लिए नहीं जाना चाहता, लेकिन गियोवानी उसके पास आ गया कि मिस्टर फेलिक्स चलिए हम चलते हैं, यहाँ ऑफिस में तुम्हें देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, अब मुझे काम पे आने का ज्यादा मन करेगा। और ये बोलते हुए वो फेलिक्स को किस करता है। फेलिक्स धीमी आवाज में कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, अगर किसी ने देख लिया होता तो। गियोवानी हंसते हुए कहता है लेकिन मैंने ये इसलिए किया क्योंकि कोई नहीं देख रहा था। फिर आगे कुछ फेलिक्स उसे कहे, उससे पहले उसके क्लासमेट ने कहा कि फेलिक्स सॉन्ग जल्दी करिए, तो फिर फेलिक्स जल्दी जल्दी में चला गया। तो इस तरह से छुट्टियों के दौरान फेलिक्स पार्ट टाइम जॉब में लग गया इस उम्मीद में कि वो ज्यादा बार गियोवानी से मिल पाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई थी, उसके कॉलेज से लगातार काफी सारे लोगों का कॉल आ ही जा रहा था। उसके क्लासमेट ने बताया कि फेलिक्स होंग सब लोग आपसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि वो लोग भी छह ग्रुप में काम करने आना चाहते हैं। फेलिक्स कहता है सच में इस बारे में तो सबको बहुत ही जल्दी पता चल गया। उसका क्लासमेट कहता है ये सारी उस कमीने की ही गलती है, अगर उसने सोशल मीडिया पे ये पोस्ट नहीं किया होता कि उसने चेयरमैन के साथ खाना खाया है तो ऐसा होता ही नहीं। ये सुन के वो टोपी वाला लड़का जिसने अभी टोपी नहीं पहनी है वो गुस्सा हो गया कि क्या चेयरमैन ने खुद कहा था कि मैं इसे पोस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। दूसरा लड़का कहता है इसका मतलब कि तुमने सच में वो पोस्ट कर दिया था। टोपी वाला कहता है तुम इतने ज्यादा अपसेट क्यों हो, और वो फेलिक्स से कहता है कि अगर तुम्हें इतना ही अनकंफर्टेबल लग रहा है तो फिर मैं पोस्ट डिलीट कर देता हूँ। लेकिन फेलिक्स ने कहा कि नहीं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, मुझे यकीन है कि कुछ वक्त में वो लोग फोन करना बंद कर देंगे। और वो अंदर से शुक्र मना रहा था कि वो तो अच्छा है कि अभी छुट्टियां चल रही है, नहीं तो सब लोग पर्सनली उससे मिलने आ जाते। फिर सांझ को वो लोग काम से वापस जा रहे थे तब फेलिक्स लेगांग से मिला। उसे देखते ही फेलिक्स ने उसे कहा कि लेगांग तुम भी काम से वापस जा रहे हो। लेगांग बस हाँ जवाब देकर थोड़ी देर उसकी ओर देखता ही रहा। तो फेलिक्स कंफ्यूजिंगली पूछता है कि क्या हुआ। लेगांग बताता है वो बस लगता है कि दूसरे स्टूडेंट अब तुम्हें होंग बुलाते हैं, तो मैं ये सोच रहा था कि वो लोग शायद तुम्हें आजूसी बुलाते होंगे क्योंकि तुम उम्र में बड़े हो। फेलिक्स कहता है क्या आजूसी। लेगांग मैं सिर्फ तुमसे एक साल ही बड़ा हूँ, ठीक है। लेगांग कहता है मेरे कहने का मतलब ये था कि दूसरे स्टूडेंट ये सोचते होंगे। फेलिक्स कहता है हाँ शायद ऐसा हो सकता है। तभी लेगांग ने कहा कि आई थिंक इसी वजह से ही मेरे भैया तुम्हारे बारे में इतनी ज्यादा चिंता कर रहे हैं। फेलिक्स ने कंफ्यूजिंगली पूछा और लेगांग ने बता दिया जो उसे लग रहा था कि गियोवानी को फेलिक्स और दूसरे स्टूडेंट के बीच में जो एज गैप है उसकी